इसराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से हमास को बड़ी चेतावनी आई है। जी हाँ, इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि इसराइली डिफेंस यानी कि IDF हमास के ठिकानों के खिलाफ पूर्ण हमले की तरफ बढ़ गया है। आतंकवादी हमलों के मद्देनजर अब जवाबी कार्रवाई जारी है। इसी के साथ ही गाजा सीमा पर तैनात सैनिकों को संबोधित करते हुए इसराइली रक्षा मंत्री ने कहा है कि सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं और क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल कर लिया गया है। आपको बता दें कि हमास ने इसराइल पर अचानक हमला कर दिया था। इसी के साथ ही योव गैलेंट ने आगे कहा है कि मैंने सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं, हमने क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल कर ली है और हम पूर्ण हमले की तरफ बढ़ गए हैं। योव गैलेंट ने जोर देकर कहा है कि गाजा कभी भी उस स्थिति में वापस नहीं जाएगा जैसा वो था। बता दें कि गैलेंट के शब्द थे कि आपके पास यहाँ की हकीकत को बदलने की क्षमता होगी, अपने कीमतों को चुकाई जा रही है और आपको बदलाव देखने को मिलेगा। गैलेंट ने कहा है कि हमास ने जो सोचा था हम वही करेंगे, अब सब कुछ 180 डिग्री बदल जाएगा। योव गैलेंट ने कहा है कि IDF को साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि आतंकी जहां दिखे वही उन्हें मार दिया जाए, उन्हें तलाशा भी जाए और उन्हें फिर उन्हें ही वहीं पर खत्म करने का आदेश भी दे दिया गया है। उनका कहना था कि इजराइल बॉर्डर को और मजबूत करना है। घुसपैठ की कोशिशें हुई लेकिन आतंकवादियों को बाढ़ तक पहुंचने से पहले ही मार गिराया गया। इसी के साथ ही आपको यह भी बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में अब तक दोनों तरफ से हजारों से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल हमास से बदले के मोड पर है और ताबड़तोड़ तरीके से हमास पर रॉकेट दाग रहा है। इस युद्ध में बाकी के देश भी इजराइल के साथ हैं, जिसमें अमेरिका भी एक है। अमेरिका ने इजराइल को सैन्य सहायता देते हुए हथियारों से लदा पहला विमान इजराइल भेजा है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इजराइल रक्षा बंधन यानी कि जो उनके बल हैं, IDF ने बयान जारी करते हुए बताया है कि हमास के खिलाफ युद्ध के 4 दिन पूरे हो गए हैं। 1000 से अधिक इजरायली अब तक मारे गए हैं। इसके अलावा 2800 से अधिक घायल हुए हैं और 50 लोगों के बंधक यानी कि लापता होने की भी पुष्टि की गई है। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही जो बेल आइकन है उसे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि इन फ्यूचर कोई भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए।